नमस्ते, मेरा नाम अब्दुल करीम है, मैं कर्नाटका से आया हूँ। मैं आज मेरे भाई के, हमारा भाई अकबर अली है, उसके इस पे आया हूँ। वो आज MBBS करने के लिए जा रहा है विक्टोरिया। हमने एक महीने के पहले इस सारा सिलसिला शुरू किया, वो नीट का ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसको इंडिया में कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं था। क्वालिफाई था, एलिजिबल था, लेकिन उसको सीट नहीं मिल रहा था। हमने बहुत जगह ट्राई किया, बात किया उससे, लेकिन सभी जगह में बहुत क्या बोलता है, अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर ही बोलता है, कोई उसके नीचे बोलता ही नहीं। हमने एक बार इसके दोस्त के थ्रू पता चला विक्टोरिया के बारे में, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी बारबाडोस के बारे में। हमने सोचा जाके एक बार कंसल्ट कर लेंगे क्या जा रहा है। जाके देखा उधर बेंगलुरु हेडक्वार्टर्स में, बहुत अच्छा ट्रीट किया, हमको पूरा समझाया क्या डिटेल से, फ्री स्ट्रक्चर क्या है, कैसा जाना है, कैसा आना है। इसके पहले भी वहाँ भी जो लोग गए थे प्रीवियसली उनसे भी बात किया, तो ठीक है। हमने कन्फर्म किया, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया अपने, और हमारा अप्रूवल हो गया। लेकिन हमने थोड़ा फीस लेके ये थे, हमको स्कॉलरशिप भी दिया बुला के, उस स्कॉलरशिप में बहुत हेल्प हुआ हमको। इसके बाद हम डिसाइड किया, डेट आया, इधर आज हम नोएडा आए हैं जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है विक्टोरिया का। आके हमने मिला कैप्टन नवीन को, मिला और उनसे बात किया है, और बहुत बहुत अच्छे इंसान है, दे आर इम्प्रेस्ड। हमको छोड़िए, वो लड़कों को जो भी बोलना है उनको सुनाना है, उनको सुना के हर एक पॉइंट से पॉइंट उनको क्लियर समझा के ये किया है। हम लोग खुश लिया गया, सारे पेरेंट्स आए थे, सारे लेक्चरर्स थे, सारे जो भी लोग कंसल्ट आए, बात किया हमको, फेस टू फेस बात किया, जो भी हमारे डाउट थे, अनसिक्योर थे हमें, क्योंकि लड़के को इतना दूर भेज रहा है, हमारे साथ आगे नहीं रहता है, कौन इसका ये इंचार्ज कौन लेता है। देव एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर अस कि क्या होगा, कौन लेगा, क्या इंचार्ज लेगा, और रिजल्ट्स पे क्या आएगा। हमको भी रिजल्ट चाहिए ना, कि आज लड़के को उधर दूर चल रहा है, भेज रहा है, उसका रिजल्ट के लिए भी हमने बात किया। उन्होंने हर एक चीज़ के लिए बोला, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, फीडबैक क्या रहेगा, क्या मार्क्स रिजल्ट आएगा, कैसा पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हमको खुश लगा, हमको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हमारा लड़का पढ़ सकता है, जाएगा, करेगा, आएगा। हमको भी लिया, साथ में पेरेंट्स भी आए थे, उन लोगों में कॉन्फिडेंस लगा, अच्छा लगा इधर आके। आज बहुत एक्साइटेड है, मेरा भाई जा रहा है इधर से, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।